हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पांच गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको स्टाइफंड मिलता है हर मंथ। इसके अलावा आपको फ्री ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग, अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है और सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। इसके अंतर्गत आप किसी भी एज या किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी है नेशनल करियर सर्विस से रिलेटेड, यानी कि NCS से रिलेटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करता है। और यहाँ पर आपको फ्री और स्टाइपेंड्री कोचिंग और ट्रेनिंग मिलती है। यहां पर ₹1,000 सभी को स्टाइफंड मिलता है सिलेक्टेड कैंडिडेट को, और 2,500 दिव्यांग कैंडिडेट के लिए रखा गया है मंथली। यहां पर 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ₹3,00,000 जिनकी फैमिली की टोटल एनुअल इनकम है उससे कम भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की कोचिंग या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी। इसमें ओ लेवल के सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस, अकाउंटिंग, वेब डेवलपमेंट, बिजनेस के ऊपर मिलती है जो कि NIE LIT से मिलता है, जो कि एक मिनिस्ट्री का ही संस्थान है। यहां पर 30 अप्रैल 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने किसी भी रीजनल सेंटर, यानी कि नेशनल करियर सर्विस के किसी भी रीजनल सेंटर पर जाकर के आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से फॉर्म लेकर वहीं अप्लाई कर सकते हैं। NCS पूरे देश में अवेलेबल है तो आप अपने स्टेट के NCS पर जाकर के कर सकते हैं यहां पर अप्लाई। SC ST कैंडिडेट 1,000 वाली स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 2,500 की जो स्कीम है उसमें ऑल कैटेगरी की कैंडिडेट जो कि दिव्यांग है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको NCS.gov.in पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी कहां पर आपका रीजनल सेंटर है। दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की है, जो कि बजट में 4.0 कंपोनेंट के लॉन्च होने के बारे में बताया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में टाई अप करके ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि NIE LIT से ही डाटा एंट्री की या फिर टेक्नीशियन की या फिर डेवलपर की ट्रेनिंग दिया जाना लगा है, जहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है जिसमें 10th और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है जो कि PMKVY के थ्रू आपको मिलेगी। इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां पर एडमिशन होता है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप 31 मार्च 2023 तक फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। जब ये डेट ओवर हो जाएगी तो फिर नई डेट आ जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं PMKVY 4.0 से अब जो भी MSME के संस्थान है उसके टूल सेंटर्स में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू किया जा चुका है, जिसमें कि ETH से लेकर के ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भले ही यहां ITI डिप्लोमा शो हो रहा है, लेकिन 8th, 10th, 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ती है, एज भी बढ़ती जाती है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है जिसको देख करके आप अप्लाई का प्रोसेस समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है PMNAM की, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जो कि हर महीने होता है, जिसमें आप अप्लाई करके स्टाइफंड ले सकते हैं या फिर आप अपनी नौकरी भी लगवा सकते हैं। 5वीं से 12वीं ITI डिप्लोमा, UG ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट होल्डर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें DGT, स्किल इंडिया, ITI सभी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को स्टाइफंड, सर्टिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप या जॉब भी मिलती है, क्योंकि 1,000 से भी ज्यादा कंपनी आती है, हर स्टेट के हर जिले में आती है। नोडल सेंटर पर जाकर के आपको इस मेले को अटेंड करना होता है और 36 से ज्यादा सेक्टर्स पर यहां पर आपको जॉब मिलती है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वॉक इन में आपको इस मेले को अटेंड करना होता है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अगर आप कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप एक फॉर्म को भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है, आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो रेल कौशल विकास योजना से रिलेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तत्वाधान से बनती है। और यहां पर हर महीने 7 तारीख से 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अभी अप्रैल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो रेल कौशल विकास योजना में आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको 3 हफ्तों की पूरी पूरी फ्री ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं होता, यहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है आपके परसेंटेज बेसिस पर। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो NSDC से रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि NSDC ने अपना एक फॉर्मेट चेंज किया है और रीइमेजिन
इन फ्यूचर को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आपको कौशल महोत्सव में भाग लेने का मौका मिल रहा है। कौशल महोत्सव में आपको अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी, करियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहां पर ऑल एजुकेशन और ऑल एज ग्रुप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टेट में ये चीजें हो चुकी हैं और अभी बेंगलुरु और तेलंगाना के लिए यहां पर कमिंग सून आ चुका है। आपके स्टेट में भी ये सारी की सारी स्कीम होगी, तो आप इसके बारे में अवेयर रहिए। इसका एक पूरा फॉर्मेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट साइनअप पर क्लिक करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर करके इस लिंक से डायरेक्टली जिस समय आपके स्टेट में ये मेला होगा या कौशल महोत्सव होगा, आप अटेंड कर सकते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम जिनमें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। सारी जो वैलिड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।